अब शायद वो समय आ चुका है जब साउथ कोरिया को भी जापान की तरह यूएस शेल्टर से बाहर आकर खुद के डिफेंस बजट तैयार करना होगा, क्योंकि यूएस क्या चीज है ये उन्हें अच्छे से पता चल गया है। अब हुआ यह है कि न्यू ईयर के शुरू में ही नॉर्थ कोरिया ने तो ये बोल दिया कि वो इस साल भी अपने न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ाने वाले हैं। अब ऐसे में बगल वाले देश जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो अगर हर महीने 2-3 मिसाइल फायर करने के साथ ऐसे खुली धमकी देते रहेंगे तो डर तो लगता है। अब ऐसे में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने भी बाइडेन के भरोसे ये तो बोल दिया कि हम भी यूएस के साथ अब न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे, और जब ये बात बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। अब आप सोचो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को कितना बेइज्जत होना पड़ा दुनिया के सामने। अब उसके बाद यूएस के एक सीनियर ऑफिसियल ने बाइडेन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा लंबा खींच के ये बोला है कि साउथ कोरिया के साथ न्यूक्लियर एक्सरसाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है। अब इस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले ही साउथ कोरिया के लोगों से एक पूल के जरिए ये पूछा गया था कि क्या साउथ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं, तो इसके रिप्लाई में 67% लोगों ने यस वोट किया था। अब आपके हिसाब से क्या साउथ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में बताना जरूर।